चीन ने सीमा पर विवादित इलाके और भारत की फौज की तैनाती पर फिर से धमकी दी है। चीन का कहना है कि भारत को सीमा पर शांति की अपनी इच्छा अपने व्यवहार के जरिए प्रदर्शित करनी चाहिए। चीन ने दावा किया कि डोकलाम क्षेत्र में भारत ने बड़ी संख्या में सैनिक तैनात किए हैं ताकि चीन अपने सीमा क्षेत्र में सड़क निर्माण न कर सके। चीन ने धमकी दी है कि भारत अगर सही मायने में शांति चाहता है तो उसे तुरंत अपने सैनिकों को वापस बुला लेना चाहिए। एक बयान में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय पक्ष की कार्रवाई गैर जिम्मेदार और दुस्साहसपूर्ण है। चीन ने डोकलाम में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी को चीनी क्षेत्र में गैर कानूनी घुसपैठ करार दिया, जबकि भारत इसे भूटान का इलाका बताता है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने भारतीय सैनिक गैर कानूनी रूप से सीमा पार करके आए हैं और चीनी क्षेत्र में बने हुए हैं। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय पक्ष को इसके परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, चीन ने भारत पर यह भी आरोप लगाया है कि भारत डोकलाम में सड़क निर्माण कर रहा है और रसद आपूर्ति जमा कर रहा है और सीमा पर भारतीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में सैन्य बलों की तैनाती कर रहा है। इधर भारत ने चीन के सभी आरोपों को निराधार बताते हुए डोकलाम को बिना किसी विवाद के भूटान का इलाका बताया है और इस पर त्रिपक्षीय बातचीत के लिए चीन को बोल भी चुका है। 3 इंडलिंग्स।